स अबाउट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जैसा कि आज फर्स्ट रैंक की लिस्ट जारी हो चुकी है हमारे आई आई कॉलेज के जो हमारी स्टेट काउंसिल फॉर द वैकेशनल ट्रेनिंग के लिए था ये हम इसका फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुका है दैट मीन्स आप आई आप लोग भरे होंगे और उस आई का फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया इस फर्स्ट लिस्ट को हम लोग कैसे चेक करें यानी हाउ टू चेक आप फर्स्ट लिस्ट की मेरा नाम उसमें आया कि नहीं आया मुझे कौन सा ट्रेड मिला कौन सा ट्रेड नहीं मिला इन सब सारी चीज़ों के बारे में पूर्तः आप कैसे चेक करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम समय में मैं आप सबको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट तक वीडियो के बने रहे और सारी चीज़ें आप सब सीख जाएंगे सबसे पहले आप सबके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आपका मैसेज आया होगा और उस मैसेज में आपके एस सी वी टी यूपी का एक आपको लिंक दिया गया होगा अगर मैं आपको बताते चलूं थोड़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में एस सी वीटी यूपी क्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस सी वीटी यूपी तो स्टेट काउंसिल फॉर द वेसनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये कोर्स लॉन्च किए जाते हैं इन सब आई टी आई के थ्रू ये सारे कोर्सेज होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं और ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने कौन सा ट्रेड चॉइस किया है वो चीज वहां पर पता चलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसा कि आज स्टेट काउंसिल फॉर द वैकेशनल ट्रेनिंग यानी आई टी आई ने आज पहला अपना लिस्ट जारी कर दिया

ओके okay, इस मैसेज में आप देखेंगे कि जो थर्ड टाइप का मैसेज है यानी कि ये जो तीसरा मैसेज आप सभी को दिख रहा है ये मैसेज इस मैसेज में लिखा हुआ है डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको ये एस सी वी टी यू का आपको साइट दे दिया गया और इस साइड में आपको क्लिक करना है सिंपली आपको क्लिक करना है ये साइड आपको डायरेक्ट वहां ले जा करके ओपन कर देगी उस साइड पेज पर यानी वेब पेज पर आपको ओपन कर देगी अब यहां पे आपको क्या करना होगा कौन कौन सी चीज़ का नीड है आपको ये पता करने के लिए कि हमको कौन सा ट्रेड मिला है तो सबसे पहले आपके पास जब आप पेज ओपन होगा तो कुछ वेट करेंगे आफ्टर सम फ्यू सेकेंड उसके बाद आपको ये ऐसे पेज खुलेगा उसके बाद प्रवेश दो का प्रथम आवंटन परिणाम राजकीय आईटीआई के थ्रू जो आपको सबसे पहले लिंक सेक्शन दिया गया है इस लिंक सेक्शन में आप लोग क्लिक करेंगे मैं इसी लिंक सेक्शन की बात कर रहा हूं इस लिंक, लिंक सेक्शन पे आप सभी क्लिक करेंगे और इस लिंक सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी को ये आप दिखाई देगा और इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से होम पेज ओपन हो जाएगा अब आप, आप सभी देख पाएंगे कि आपसे दो तीन चीज का यहां पे नीड है जो चीज आपसे मांगी गई है ये आपके पास होना चाहिए विदाउट इसके आप सभी नहीं अपना खोल पाएंगे यानी अपने लिस्ट को आप नहीं चेक कर पाएंगे कि कौन से ट्रेड हमको मिली हुई है तो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां क्लिक करना है आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना क्लिक करना है लाइक like मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये था इसको मैंने यहां पे क्लिक किया सर रजिस्ट्रेशन नंबर हमको कहां मिलेगा तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसके ड्यूरेशन आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज हुआ होगा दैट मीस वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां फिल करना है और आज के मैसेज सेक्शन में आपको उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी किया गया होगा यानी गवर्नमेंट के थ्रू आप मैसेज भी आया होगा और मैसेज पे भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर विजुलाइज हो रहे होंगे वहां से भी आप इजीली तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं और आपका जो व्यू uh, है वो तो डेट मीन uh, आपको पता ही रहता है डेट ऑफ बर्थ वो सभी को अपना पता रहता है तो उसको जाने की कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको मैसेज सेक्शन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा यदि आपने फॉर्म भरते समय भी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखा हो या साइबर कैफे वाले ने आपको फॉर्म दिया हो उसकी रिसिप्ट वहां भी आपको इजली तरीके से मिल जाएगा अब आप लोग यहां पे सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में अपने डेट को डालेंगे तो लाइक एस मेरा जो डेट है वो मैं अपना डेट डाल देता हूँ ठीक है अपना फिल कर देता हूं अब यहां पे आप फिर मंथ चूज करेंगे आपका कौन सा मंथ था ईयर चूज करेंगे ठीक है ईयर चूज करेंगे और फिर सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे अब आप आपके पास देखिए विजुअल पेज ओपन हो गया और आपको कौन सा ट्रेड मिला था देखिए इसमें दो कंडीशन है इसमें स्टूडेंट्स दो कंडीशन हो रहे हैं कि आप या तो पूरे स्टेट आपने स्टेट के लिए पूरा काउंसिल अपलीकेशन फॉर्म को फिल किया होगा तो आपके पूरे स्टेट में कट ऑफ लगेगी और ड्यूरिंग स्टेट कट ऑफ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे यानी लाइक सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी में है तो उन सेवनिटी फाइव डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या करना होगा कंपटीशन कंपिटिशन कर रहा होगा देन द फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम विजल हो पाएगा अगर बात करें तो एटी फाइव से एटी

आपने, आ, कि, हुआ होगा लोगों से, जैसे होंगे स्टेट का भर के और नामुमकिन है क्योंकि बच्चे उसमें भरे 75 के बच्चे उनसे फिर आपकी कंपटीशन होने के बाद जो लिस्ट आज रिलीज हुई है वो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फाइट नहीं किया है आपने सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट में फाइट कर रैंक को हासिल किया है तो इसलिए एटी नाइन परसेंट के बीच जिनका हाई स्कूल में ऑप्टेंट मार्क रहा होगा वो बच्चे स्टेट को हासिल कर पाएंगे आईटीआई के फर्स्ट ए ग्रुप के ट्रेड को ठीक है तो दैट्स क्लियर कि सर मेरा नाम क्यों नहीं आया नाम इसलिए आपका नहीं आया क्योंकि आपने यूपी पूरे स्टेट्स के लिए भर दिया होगा अगर कोई भी बच्चा स्पेसिफिक अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जोनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भरा होगा तो उसका फर्स्ट चॉइस यानी फर्स्ट प्रेफरेंस सभी का होता है अपना ग्रुप ए में यानी ग्रेड ए में जाना यानी लाइक एज इलेक्ट्रिशियन को लेना तो वहां पर उसका सेवरली अगर वो सेवेंटी भी जनरल में पाया होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा उसके जोनल जोन में मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट में अगर वो डिस्ट्रिक्ट पे तो वहां पर कंपटीशन लो है क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कंपटीशन करना है अब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने फॉर्म आए होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो सेवरली एक एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट टू कंपेयर यूपी है ना पूरे यूपी में यानी सेवेंटी डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट तो बहुत है सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे होंगे तो वहां पर आपका आना अगर परसेंटेज कम रहेगा एटी सेवन से नाइन के बीच नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा यानी आपको मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो जारी हुई है आज इसमें आपका नाम नहीं आएगा और अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से भरा होगा तो आज आपका उसमें नाम आया होगा क्योंकि वहां पर क्योंकि ओनली वन डिस्ट्रिक्ट में आप कंपटीशन कर रहे हो और डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो अगर आपने यूपी के लिए भरा है तो इस बात को ध्यान देना है कि जब आपने अपने फॉर्म को फिल किया था तो वहां आपने यूपी जोनल को चुना था कि अपने जोनल को आपने केवल डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा था तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ जोनल चूज बाई आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहां सिलेक्शन आज होने वाला है तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अभी जो यूपी स्टेट की मैं कटा बताऊ प्यारे बच्चों तो यूपी स्टेट की जो कट ऑफ आई में गई है वो आज जनरल बच्चों के लिए एटी से एटी मार्क्स में गई हुई है इतना अगर जिसका परसेंट एटी से एटी के बीच परसेंटाइल रहेगा ल के लिए वो आज प्रबल दावेदार होगा इलेक्ट्रिशियन सीट के लिए तो आई होप आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और हमने यहां पे आप सभी को बता दिया है यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्लिक किया गया होगा यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता दिया गया है भरने के लिए और यह सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आप कहां पाए हुए हैं आप किस कॉलेज में पाए हुए हैं यानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भरे होंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भा... आपको मिला होगा आपका कॉलेज जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भरा था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया ठीक है तो जो डिस्ट्रिक्ट में भरा होगा उसको ऑफिसली उसके कम मार्क पर कम परसेंटेज में भी मिल जाएगा क्योंकि भाई कटआफ तभी बढ़ेगा जब आपका कंपिटीन बढ़ेगा है ना तो कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट में लो है इसलिए लो मार्क्स पर ही आपको मिल गया हमारा जो चोशल है यानी फर्स्ट रैंक का जो है देखिए आप सभी इलेक्ट्रीशियन मुझे मिल गया है ठीक है तो ऐसे ही आप सभी को जो है विशेष जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको आईटीआई से संबंधित और अन्य कंपिटेटिव ऑल इस चैनल पर आपको विजिट करा दिया जाता है इसलिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें ताकि उन बच्चों के साथ पहुंच पाए कि दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले उनको पता चल पाए कि अपनी लिस्ट को कैसे चेक कर रहा है थैंक यू मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ